उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक परीक्षा PET की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया यदि आप पैट की तैयारी सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं उसको यूट्यूब से फ्री में समझकर पढ़ना चाहते हैं और आप अगले 40 दिनों तक जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तब तक सिर्फ और सिर्फ नंबरों के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ 40 दिनों का हार्ड चैलेंज पैट के एग्ज़ाम के लिए लेकर चल सकते हैं, जिसका एक ही टारगेट है कि हमें 80 प्लस नंबर अपनी सेल्फ स्टडी से लाना है और आज हमारा 9वां दिन है। अगर इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो जाकर उनमें डिटेल से देख लीजिएगा, सब कुछ समझाया है कैसे पढ़ना है, पूरे सिलेबस को 3 भागों में विभाजित किया है और आपका एक निश्चित टाइम टेबल बनाया है, उसी के हिसाब से हमें सेल्फ स्टडी करना है। और यकीन मानिए आप अपने दम पर अगर पढ़ाई करते हैं तो 80 प्लस नंबर आपके आराम से आ सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा क्या टारगेट है और इसको अपना टारगेट आज का देखने के बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन पहले आज के टारगेट पर ध्यान देते हैं। आज हमें भारतीय इतिहास में सल्तनत काल पढ़ना है। सल्तनत काल के 1-2 प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, अन्य परीक्षाओं में आते हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है भारतीय इतिहास में सिर्फ 5 प्रश्न ही आएंगे तो सल्तनत काल उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ लेना है। भूगोल में हमने भारत का भूगोल लगभग ख़त्म कर लिया है और अब विश्व के भूगोल पर हम लोग आ गए हैं। देखिए आपके सिलेबस में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों मिला कर दिया गया है, लेकिन हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं। पहले हमने भारत का पढ़ा, अब विश्व के बारे में पढ़ना है, तो विश्व की नदियां और नदी घाटियां इसको आज हम लोग कवर कर लेंगे। छोटा सा टॉपिक है, 1 पेज का टॉपिक है। और हाँ, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको फिर से बता दें कि आपको ये सारे टॉपिक लूसेंट की बुक से पढ़ना है और पतली वाली अगर आपके पास अरिहंत की बुक है तो उससे पढ़ना है। 2 किताबें आपके पास होना ही चाहिए, नहीं है कोई बात नहीं, हम आपको जो घटना चक्र की बुक है उसका PDF आपको उपलब्ध कराएंगे, जो कि टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आपको सारी PDF मिल जाएगी, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो भैया आपको फिर से बता दें, बिल्कुल परेशान होना नहीं है, आपको सारे PDF मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के PDF मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। 4-5 घंटे की वो वीडियो बनाएंगे और 40-50-60 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, उतने समय में अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी के 3-4 टॉपिक आप निपटा देंगे, तो जब तक आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी प्रैक्टिस सेट लगाने का कोई भी फायदा नहीं मिलता है। प्रैक्टिस सेट सिर्फ अभ्यर्थियों को बेवकूफ बनाने के लिए ही लगाया जाता है। भैया इस बात को आप यकीन मानिए, आपकी थ्योरी मजबूत रहेगी तो प्रैक्टिस सेट भी आपका काम आएगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट ही लगाते रहेंगे, थ्योरी मजबूत नहीं करेंगे, तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं भारतीय संविधान में। आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पंचायती राज। पंचायती राज का 1 प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएगा और 100% आएगा। सामान्य जागरूकता जो कि 10 नंबरों की आने वाली है, इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय पर्यटन स्थल। ये सारे PDF टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। हाँ, ये जो भाग 1 है, भाग 1 के अंतर्गत हम लोग 40 नंबरों का पढ़ते हैं और इसका जो रट्टा मारना है आपको सुबह 6 बजे से लेके आपका 2 घंटा यानी कि सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक आपको रटना है। टाइम टेबल भी हमने बताया है, बार बार उस पर चर्चा नहीं करेंगे, पुरानी वीडियो जाकर देखिएगा। आगे भाग 2 में आते हैं जो कि आपका 30 नंबरों का है। भाग 2 में सीखने और समझने वाली बातें होती हैं, जैसा कि गणित है, गणित में आपको वर्ग और वर्गमूल पढ़ना है। एक गणित के हम लोग एक दिन में 30 प्रश्न लगाते हैं, इसके 30 प्रश्न लगा लीजिएगा, पर्याप्त मात्रा में आपके सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। रीजनिंग में समूह से भिन्न को अलग करना बहुत ही आसान टॉपिक है, आपके 4 विकल्प दिए रहते हैं, चारों विकल्पों में कौन सा भिन्न है वही आपको बताना है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो फ्री फंड का ये नंबर मिलने वाला टॉपिक है, 30 प्रश्न इसके लगा लीजिएगा, PDF आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और ग्राफ तालिका में क्या करना है, ग्राफ के 3 प्रश्न लगाना है, तालिका के आपको 3 प्रश्न लगाना है, यानी कि 3-3 कुल मिला के 6 प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न में छोटे छोटे 5 प्रश्न होते हैं, यानी 6×5=30, आपके एक दिन में 30 प्रश्न आप लगा रहेंगे। ग्राफ 10 नंबरों का आएगा, तालिका 10 नंबरों का आएगा, यानी 20 नंबर की आपको यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, बाकी 5 नंबर की आपको यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। नंबरों
के लिए पढ़ने का सीधा मतलब होता है कि किसी परीक्षा में जो टॉपिक जितने नंबरों का आता है उसको हम उतने समय तक पढ़ेंगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि भारतीय इतिहास में जो कि 5 नंबरों का है इसमें आप 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं, और ग्राफ जो कि 10 नंबरों का है इसमें आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, नंबरों के लिए पढ़ना है। आपको ये देखना है कि आपने दिन भर जितना पढ़ा उससे आपके कितने नंबर बढ़ रहे हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे धीरे धीरे करते हुए हमें 180 नंबर के ऊपर ही जाना है। 100 नंबर की तैयारी करना है और टारगेट लेके चलना है 80 नंबर हम क्रॉस कर सकें। भाग 3 जो कि 30 नंबरों का है उसमें 2 आपके लैंग्वेज है, हिंदी और अंग्रेजी, और करंट अफेयर्स। तो हिंदी में छोटा सा टॉपिक है लिंग, उसको पढ़ लीजिएगा, जेंडर वाला बहुत छोटा सा टॉपिक होता है। अंग्रेजी हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है, अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जब हिंदी ख़त्म हो जाएगा तब अंग्रेजी पढ़ेंगे। हिंदी आप बहुत सारी परीक्षाओं के लिए पहले से ही पढ़ चुके हैं तो इसका सिर्फ आपको रिवीजन ही करना है। और करंट आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएँ हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पेपर है तो उत्तर प्रदेश की भी प्रमुख योजनाओं के बारे में और केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है। YouTube की मदद लेकर पढ़ना है। अगर आपको करंट अफेयर्स में योजनाएं नहीं मिलती हैं तो YouTube पर जाकर सर्च करिएगा, बहुत सारे वीडियो खुल के आ जाएंगे। 10-15-20 मिनट में आप सारी योजनाओं को याद कर सकते हैं। तो YouTube की मदद लेना है, सेल्फ स्टडी करना है और सिर्फ नंबरों के लिए पढ़ना है। देखो अब यहाँ पर हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाने जा रहे हैं कि भैया देखिए गलती मत करिएगा। बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्या करते हैं, जैसे भारतीय इतिहास वो पढ़ा रहे हैं तो PCS लेवल का पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर उन्होंने भूगोल स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो टीचर PCS में पढ़ा रहा है वही सुपरटेट में पढ़ा रहा है, वही लेखपाल में पढ़ा रहा है, एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा रहा है, तो ये घमंजा करके नहीं चलना है। आपको अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है। परीक्षा आपको पास करनी है, नौकरी आपको लेना है, इसलिए अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल आपको ही करना है। किसी के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी मत रहिएगा। हमारे साथ इस 40 दिनों के हार्ड चैलेंज को ज्वाइन करिए, यकीन मानिए आपका बहुत कुछ भला होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी है वो रियलिटी ही आपको शो करेंगे। और जो PDF आपको चाहिए टेलीग्राम चैनल पर जाके कमेंट करिएगा, वो सारे एक्स्ट्रा PDF आपको दे दिए जाएंगे। यहाँ पर जो लिखा है इसका PDF तो दिया ही जाएगा, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए तो सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएंगी। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर आपको ग्राफ की और तालिका की 5-5 वीडियो भी उपलब्ध करा दी जाएंगी। ग्राफ और तालिका के जो पुरानी वीडियो हैं उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, बताया गया है, तो आप इसको देखकर ग्राफ और तालिका बड़े आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक दिन में आप सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। आप जो है रटने का हमारा जो टाइम है उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। भाग 3 हम लोग कब रटते हैं, शाम को 8 बजे से लेके 9 बजे तक, यानी कि सोने से पहले 1 घंटा इस भाग 3 को रटते हैं, तो रट्टा मारिएगा। और 2 घंटा सुबह हम लोग इसको रटते हैं तो इसको रट्टा मारिएगा। और दोपहर में हम लोग भाग 3 वाला पोर्शन पढ़ते हैं, तो भाग 3 पूरा दोपहर है, उसमें आपको खाना भी खाना है, खाना बनाना भी है। अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं और कमरा लेकर रहते हैं तो खाना बनाना भी पड़ेगा, थोड़ा बहुत आराम भी कर लेना है, गाने वाने भी सुन लेना है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, तो रात में बढ़िया से कम 7 घंटे की आपको नींद लेना है, ज़बरदस्त सोना है, ठीक है। जितना सोएंगे उतना ही आपका बॉडी रिलैक्स रहेगी। 10 बजे कोशिश करिए कि 10 बजे शाम को, रात में 10 बजे सो जाइए और सवेरे 5 बजे उठिए। थोड़ा बहुत इधर उधर करने के बाद 6 बजे सवेरे 6 बजे से पढ़ने के लिए बैठ जाइए और 6 से 8 बजे तक एक टॉपिक जो कि 40 नंबरों का है उसका रट्टा मार लीजिए। तो ये आपका टाइम टेबल है। और इसके अलावा अगर कुछ सीखना है, समझना है, यूट्यूब से सीखना है, समझना है, पहली बार आपको पढ़ना है, तो वो सारे कार्यक्रम आप दोपहर में ही करेंगे। ये वाला टॉपिक भाग 2 जो है ये दोपहर वाला टॉपिक है, तो इसी दोपहर में ही अगर कुछ भाग 1 से सीखना है तो वो आप दोपहर में करेंगे। भाग 3 का कोई टॉपिक सीखना है तो आप दोपहर में ही करेंगे। सुबह और शाम का टाइम मोबाइल को स्विच ऑफ करके सिर्फ और सिर्फ रटने का समय है। यह वीडियो सुबह आनी चाहिए थी लेकिन आज थोड़ा सा किसी कारणवश सुबह आ नहीं पाई, इसलिए ये वीडियो शाम को आ रही है। तो उम्मीद है आज का टारगेट आप लोग सोने से पहले ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे और कल एक नए टारगेट के साथ हम लोग मिलते हैं। और आप लोग इसी प्रकार हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।